नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है IT डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट के लिए। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर की तरफ से अपडेट आ रही है। दोस्तों, IT डिप्लोमा और डिग्री फ्रेशर्स बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको नंबर 2 पे एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग कैडर स्टाफ एट VNIT नागपुर, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और नंबर 3 पॉइंट पे क्लिक करके आप नॉन टीचिंग स्टाफ की जितनी भी ये वैकेंसी है इनका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, कंप्लीट चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले सभी चीज़ों के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है। और फ्रेशर्स बच्चों के लिए अच्छा खासा अवसर है। यहाँ पे टोटल मिला करके 124 वैकेंसी निकाली गई है। और जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की जो परमानेंट वैकेंसी आती है तो उनके अंदर आवेदन जरूर करना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल सके। अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। 27 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी आपको सेंड करना होगा। उसके लिए 2 जनवरी की यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफलाइन, उसके बारे में भी आगे एड्रेस के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे अलग अलग पोजिशंस के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने ग्रुप बी की पोजिशंस के बारे में बता रखा है। सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 6 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की यहां पे टोटल मिलाकर के 20 यानी कि 20 वैकेंसी रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट में डिग्री वाले यानी कि बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले दोनों बच्चे आवेदन कर पाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है। फ्रेशर्स डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे यहां पे आवेदन करेंगे। और क्राइटेरिया के बारे में आगे अपन बात कर लेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहां पे 4 वैकेंसी रखी गई है, SCS असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में बात ग्रुप सी की पोजीशंस के बारे में, जिसमें IT है, 10th पास है, 12th पास है, उन बच्चों के लिए वैकेंसी है। तो यहां पे देखिए ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। टोटल 20 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट दोनों में 10+2 पास वाले बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे। जूनियर असिस्टेंट की यहां पे टोटल मिलाकर के 13 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट के लिए यहां पे 5 वैकेंसी है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 3 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी 1 वैकेंसी। और अच्छी बात कि टेक्नीशियन के लिए भी यहां पे ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई है, 30 वैकेंसी रखी गई है। और सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी आपकी 15 यानी कि 15 वैकेंसी रखी गई है। तो इस हिसाब से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टोटल मिलाकर के 124 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। सिलेक्शन में सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होने वाला है। और रिटन टेस्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। हालांकि एक स्किल टेस्ट भी आपके लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा, जो कि 50 नंबर का आपका रहने वाला है। अब अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, अदर क्राइटेरिया के बारे में। देखिए यहां पे इन्होंने एड्रेस दे रखा है, जिस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी यानी कि जो ऑफलाइन डाक है वो सेंड करनी है। तो ये एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन सभी कैसे भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पे एप्लीकेशन फीस सभी बच्चों के लिए यहां पे इन्होंने 400 यानी कि 400 रुपए इन्होंने बता रखा है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे अपन बात किया तो केवल टेक्निकल वैकेंसी के बारे में, अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में वैसे अपन मोस्टली बात करने वाले। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें बीटेक वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे, डिप्लोमा वाले बच्चे वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों में बीटेक और डिप्लोमा फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले। उसके बाद देखिए ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट वाली वैकेंसी है, 10+2 पास वाले बच्चे आवेदन करेंगे। लैब अटेंडेंट के अंदर 10+2 साइंस में मांगी गई है। और ऑफिस अटेंडेंट में कोई भी 10+2 पास वाला बच्चा है उसके अंदर आवेदन कर पाएगा। जूनियर असिस्टेंट है और सीनियर असिस्टेंट है दोनों के अंदर 10+2 पास वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग यहाँ पे दोनों ही पोस्टों के लिए मांगी गई है। उसके बाद में अपन टेक्नीशियन के बारे में बात करें। देखिए टेक्नीशियन के अंदर यहाँ पे कुछ अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि अगर आपने साइंस के साथ में 10+2 पास कर रखी है 60% के साथ में तो आप आवेदन कर पाओगे। अगर आपकी 10+2 50% के साथ में तो 1 साल की IT जरूरी है। 10th के बाद में डायरेक्ट आपने IT कर रखे तो 10th में 60
60% होने जरूरी है, आपका आईटी का सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए। इसी हिसाब से डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है इंजीनियरिंग में 3 साल का तो भी आप आवेदन कर पाओगे। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे इन्होंने 27 वर्ष बता रखे। सीनियर टेक्नीशियन है उसके अंदर भी जिस हिसाब से टेक्नीशियन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया सेम उसी हिसाब से यहाँ पे मांगा गया। हालांकि सीनियर टेक्नीशियन के अंदर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 33 यानी कि 33 वर्ष रखी गई है। SC ST को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की और OBC को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की इन्होंने छूट प्रोवाइड कर रखी है जो कि गवर्नमेंट का नियम है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जॉब अपडेट से संबंधित वीडियो जो सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।